हेलो फ्रेंड्स, मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जिस जगह स्टडी की थी वो जगह ये है जो कि बहुत फेमस था। और ये जो जगह है ना, ये पत्थर का ये बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने इवोल्यूशन की स्टडी की थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में इक्वाडोर के पर्यावरण और जल मंत्रालय ने स्पेनिश लैंग्वेज में ये ट्वीट करके जानकारी दी कि डार्विन आइलैंड के पथरीले और ढलान वाले तट से 1 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित यह आर्क प्राकृतिक कटाव की वजह से टूट गया। तो ये जो बीच वाला आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये हिस्सा टूट के गिर गया है। और यह हुआ ये कि चार्ल्स डार्विन ने उत्तरी गैलापागोस द्वीप समूह के आसपास 1830 में अध्ययन किया था। वो HMS बीगल एक जहाज़ था, उससे यहाँ पर आए थे। और उसके बाद से उन्होंने इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसका अध्ययन किया था यहाँ पर।